सेल्फी मैंने ले ली यार, घर पे मेरा रहता था आज। क्या देख रहे हो? ओ, आपको भी सेल्फी लेना है? तो कौन सी फोन लेना है? तो इस वीडियो में हम उसी को बात करेंगे जो सेल्फी। तो कौन सा सेल्फी फोन अच्छा है आपके लिए, जो सेल्फी खींचने के लिए, यानी सेल्फी लेने के लिए अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी को। तो देखते रहे राइट हैंड को। तो सेल्फी लेना है यानी कि आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप सेल्फी लेते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। एक तो है उसका मेगापिक्सल कौन सा है, और उसके साथ साथ उसका वाइड एंगल, यानी सेल्फी लेने के लिए तो ज़्यादा एरिया को कवर करना चाहिए। इसलिए जो कैमरा के फ्रंट कैमरे में वाइड एंगल लेंस यूज़ करता है ना, उसी को आप यूज़ करना चाहिए वो सेल्फी खींचने के लिए, तो अच्छा आता है। तो ग्रुप सेल्फी के लिए वो बहुत ही अच्छा है। और जो सेल्फी लेने के लिए फ़ोन कौन सा लेना है, तो वो दो ऐसे कंपनी है वो जो हर मोबाइल फ़ोन में वही करते हैं, वो सेल्फी 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 जो है आपको पता ही होगा। तो आप हर घर रोड में देखा होगा उसका लोगो, यानी ओप्पो वीवो, मैं उसी का बात कर रहा हूँ। तो ओप्पो वीवो दो ऐसे कंपनी है दो, वो हर हर फोन में वो सेल्फी का ही बात करते हैं, वो सेल्फी सेंट्रिक फोन ही बनाते हैं। तो आपको सेल्फी ही लेना है तो आप सेल्फी शौक है, यानी आपको सेल्फी का लत हो चुका है, हर दिन आप सेल्फी लेते हैं, तो आपका मेन फोकस ही है सेल्फी। तो आप ओप्पो और वीवो दोनों हैंड कंपनी से आप हैंडसेट खरीद सकते हैं, और मैं उसका दो हैंडसेट को भी मैंने चूज़ किया हूँ, वो जो सेल्फी लेने मिले उस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो उसको मैं कहता हूँ कौन सा है, और वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन सा फ़ोन है, कहाँ पर मिलता है, वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ उसका स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएगा, मगर ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लेने के लिए बना हुआ फ़ोन है, और इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यानी आपको इसमें पावरफुल प्रोसेसर नहीं मिलता, और आपको HD की डिस्प्ले मिलता है, और फुल HD भी मिलता है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो देख लीजिए। और उसके साथ आप वो तो स्पेसिफिकेशन को और चाहिए, यानी ओवरऑल आपको अच्छा चाहिए, तो आप दूसरे कंपनी पे शिफ्ट कर सकते हैं, जो अच्छे खासे सेल्फी खींच सकते हैं। मगर आपको सेल्फी कम उन्होंने फोकस करना है तो ओप्पो वीवो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो सेल्फी सेंट्रिक है, तो उसका जो मेन बैकग्राउंड बेस है ना, वो सेल्फी में ही वो अकड़े हुए हैं। तो उसके लिए ओप्पो और वीवो को ही मेरे ख्याल से बेस्ट है। तो कौन सा फ़ोन है वो आप देख लीजिए, देख लीजिए। जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये है ओप्पो F3 गोल्ड वेरिएंट का है, और इसका प्राइसिंग भी दिखा रहा हूँ मैं, 19,400 है। उसके साथ साथ इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो सेल्फी के लिए अच्छा है, तो जो बोके इफेक्ट लेने के लिए भी वो हेल्प करता है। इसमें आपको 4 GB रैम मिलती है, उसके साथ साथ आपको 1080 का डिस्प्ले भी मिलता है, वो LCD का है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर रिव्यूज़ को भी देख सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों ने इसको अच्छा भी कहा है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्राइस हाई है और हीटिंग इश्यू है ऐसा भी कहा है। प्राइसिंग जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी 17,000 के आसपास मिलता है, मगर मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ जो आपको सेल्फी लेना है तो वो आप खरीद सकते हैं, और बिल्कुल नहीं, मैं तो सेल्फी का बहुत शौक नहीं हूँ, मगर ओवरऑल वो ये फोन अच्छा है। तो एक ये फोन है, और दूसरा है वो है ये है वीवो का। इसका प्राइसिंग है 17,950, और इसमें आपको 5.5 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है, 4 GB के रैम है इसके इसके लिए, और इसमें और आपको 1.5 GHz की मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलता है, और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, और उसके साथ आपको एक मूनलाइट सेल्फी खींचने के लिए वो फ्लैशलाइट मिलता है, बस और कुछ नहीं इसमें। तो इसको और ओप्पो को कंपेयर करने पर मुझे जो ओप्पो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, वो भी फ्रंट में। तो मेरे ख्याल से वो ओप्पो बहुत ही अच्छा है, मगर इसका भी ओके है, मगर ज़्यादा नहीं। और एक और मैं बात करना चाहता हूँ, एक और फ़ोन भी है जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री से आने वाला है, तो वो है एसुस का एसुस जेनफोन
सेल्फी। इसका प्राइसिंग है 15,999 और इसमें आपको 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, साथ में उसको फ्लैश मिलता है, उसके साथ साथ आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 615 प्रोसेसर मिलता है। तो प्राइसिंग भी कम है कंपेयर्ड टू वो तो, और उसका यूजर रिव्यू भी बहुत ही अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी फोन होगा जो सेल्फी के लिए अच्छा है, वो 15,999 में मिलता है। तो ये रहा मेरा सेल्फी फोन देने वाले के लिए रिव्यू, और मेरे ख्याल से इस फोन में मुझे बहुत ही अच्छा लगा वही है कि जो एसस का है कि उसका प्राइसिंग भी बहुत कम है और 13 मेगापिक्सल चल जाता है, मगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा डाले तो यानी वो 15,000 से ज़्यादा ऊपर गए तो यानी 17,000 के ऊपर या 19,000 के आसपास आपको जो ओप्पो का है ना, ओप्पो का आपको मिल जाता है। उसमें आपको 16 मेगापिक्सल और प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है ना, वो भी फ्रंट में, तो वो क्या करता है, मदद करता है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा है वो सेल्फी लेने के। मगर ध्यान रहे कोई भी फ़ोन में आप सेल्फी ले सकते हैं, आप सेल्फी लेने के लिए ही आप फ़ोन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने से अच्छा है कि आप जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है ना उसको देख के आप फोन ले तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक सेल्फी लेने की, वो सेल्फी फोन लेने की। तो मेरे ख्याल से वो रेडमी 4 है ना, उसको आप ले सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छी खासी सेल्फी आ जाती है। हाँ, मगर पता है मुझे उसमें ज़्यादा वाइल्ड एंगल नहीं है, तो फिर भी वो अच्छी खासी इमेजेस आप खींच सकते हैं। जो फ़ोन का मैंने आपको दिखाया वो सारे फ़ोन का इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप जाके देखे चेक कर सकते हैं एक बार और आप देखे चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओवर एंड आउट।